हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे चिकन। हम तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन हमारे स्पेशल समवन के लिए हम चिकन बनाए हैं, बना रहे हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम करेंगे शुरुआत तेल से। तेल डालो। देखो, हम मैं जो चिकन बनाता हूँ वो मैरिनेट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली बनाता हूँ। मैरिनेटेड चिकन आई डोंट लाइक, सो आई डोंट लाइक टू कुक। और मेरा ये टेस्ट बना हुआ है, लोगों को पसंद है, तो मैं आई विल स्टिक टू इट। होप यू विल लाइक इट। मैं कुकर को एक सीटी देता हूँ, थोड़ा बॉईल करता हूँ, सो वो जल्दी पक जाए। एक ही सीटी देता हूँ कुकर में, तो वो रेडीमेड है मेरा चिकन। मैंने लिशियस से चिकन बनाया मंगाया था आज। अभी हम डालेंगे इसमें जीरा। जीरा डाला, इसमें तेज पत्ता डालेंगे, ठीक है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सब्जी का। थोड़ा देर होने देंगे अच्छे से। मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में एक खड़ा मसाला होता है, जो कि पूरे गरम मसाले को पेश करके डाला जाता है। आई हैव बट मैं थोड़ा सा ही डालूँगा, पूरा नहीं डालूँगा, एकदम थोड़ा सा। सिंपल चिकन ही अच्छा लगता है। अभी हम डालेंगे पेस्ट, अनियन पेस्ट जो हमने किया है, इसको अभी प्रॉपर होने तक, इसको ब्राउनिश, लिटिल ब्राउनिश होने तक होने देंगे अच्छे से। दिस टेक्स बिट्स ऑफ टाइम। मैं थोड़ा घी भी डालता हूँ, ताकि वो घी का अरोमा आए। ये हमारा घी, घी का थोड़ा अरोमा, घी से टेस्ट आता है। दैट्स इट, ऑलरेडी घी इतना ही लेना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा तेल कम डाला था। अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि पूरा प्रॉपरली ब्राउनिश कलर नहीं होता है पैच का।
Cooking is all about patience. हर चीज का एक रेसिपी है, उतना टाइम तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर डिश. इफ यू हैव इनफ टाइम देन ओनली यू कैन डू कुकिंग. प्रॉपर कुकिंग इज There is no use of money. टेस्टी खाना है तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. फॉर द सेक ऑफ कुकिंग अगर कुक करना है देन आप कुछ भी कुक कर सकते हैं. अगर आपको टेस्टी डिलीशियस चाहिए फूड तो यू विल हैव टू हैव patience, enough patience. You should know how much time you have to give a particular item to cook. That's very important aspect. Now I will put little salt. Salt की वजह से जल्दी पक जाता है प्याज. नाउ ये कुक हो रहा है. नेक्स्ट 2-3 मिनट्स वी विल बी डन विद अनियन. अभी मैंने टमाटर का प्यूरी नहीं बनाता हूँ, मैं टमाटर के पीसेस डालता हूँ ताकि अच्छा लगे. पीसेस रहे टमाटर का बट वो उसका ओवरऑल ग्रेवी का इम्पैक्ट कम ना करे. तो आई डोंट पुट टमाटो ग्रेवी भी. हम सीम पे कर देंगे, थोड़ा सीम पे पकने देंगे इसको.
भी हमारा हो गया है, ये पक गया है, ठीक है। इसमें हम अभी डालेंगे हल्दी, हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, क्योंकि हम इसमें मिर्ची नहीं डाल रहे हैं तो हम मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा हल्दी डालेंगे, ये सब। और हम हमारा चिकन मसाला, जो एवरेस्ट का चिकन मसाला आता है वही हम यूज़ करेंगे, वो डालेंगे। इसीलिए नॉन स्टिक होना कढ़ाई में हमें बनाना चाहिए, ये जो ऐसा चिपका है, ये जो बर्न हुआ है वो नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे जो हमारे चिकन के पीसेस है, जो कि हमने कुकर में बॉईल किया है 160 देके। कोई कोई मैरिनेट करता है, कोई कोई कुछ नहीं करता, डायरेक्ट बॉईल होने देता है, बट आई प्रेफर टू डू दिस, इससे टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, ठीक है। हमने बॉईल किया है इसलिए ऐसा कलर दिख रहा है उसका। अभी ये हम लोग इसको, हो गया है अपना, ये है हमारा चिकन। इसमें हम लोग पानी छोड़ेंगे, ये जो चिकन का पानी है, बॉईल किया है कुकर में, चिकन डालेंगे। आपको जैसे थिकनेस रखनी है चिकन की वैसे रख सकते हैं। ये अब मुझे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूँगा। और अभी हम इसको पकने देंगे अच्छे से ढक्कन रख के। ओके गाइस, ऑलमोस्ट रेडी है, सॉरी।
हमने स्टार्टिंग में थोड़ा नमक कम डाला था, तो अभी हम पूरा नमक डालेंगे ताकि खाना की टेस्ट रहे। आई होप यू लाइक द रेसिपी गाइज। पकने देने का है अच्छे से, अभी पका नहीं है। थोड़ा और पानी डालना है तो डाल सकते हैं, मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे गाढ़ा ग्रेवी पसंद नहीं है, ज़्यादा थिक ग्रेवी, मतलब मेरे स्पेशल मैन को। ओके उसको अच्छे से होने देने का बॉईल। तब तक हमने सैलेड भी काट लिया है, वी विल हैव सैलेड। रोटी बनाने का है, ये हमारा खड़ा मसाला, थोड़ा स्वाद के लिए ज़्यादा नहीं डालने का, बहुत गर्म होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। That's it guys for the day. I hope you like my recipe and you'll use it for cooking. It is just simple, no difficult, actually not difficult. Also not many ingredients you have to use. It's simple and basic recipe. I hope you loved it. Thank you guys.